मथुरा आए हम 7-8 महीना हो गया, तभी से मतलब भक्ति मार्ग में ही हम घूमते हैं सबसे। जैसे प्रेम में ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद माइंड बहुत बिगड़ा था, इधर उधर किए बहुत 7-8 साल, लड़की की तरफ फिर कभी नहीं देखे। थोड़ी सी प्रसादी हम लाएं। ये अभी तो थोड़ा सो है क्योंकि एक साथ में तो खराब है जाए वो ऑटो। ये थोड़ी वजह से चाय के काजे, थोड़ी सी है चीनी, दाल है। अगली बार आपके जैसे कोई बर्तन है वहाँ के बारे में आप बता दियो, जो भी बर्तन के बारे में थोड़ी सी सेवा श्री जी की तरफ से है पावे। आप सभी भक्त प्रेमियों को प्रेम भरी राधे राधे। जैसा आपने सुना होगा और बहुत साधु संत महात्माओं के माध्यम से कहा गया है कि सतयुग में आपको 10 वर्ष और उससे कहीं ज़्यादा तपस्या करने के पश्चात ही ठाकुर जी की प्राप्ति होती थी। उसके बाद में जैसे त्रेता है, त्रेता में 1 वर्ष या उससे कहीं अधिक 2 वर्ष तक तपस्या या साधना करने पश्चात ही आपको ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में आता है द्वापर, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उसमें आपको 1 या 2 महीने की तपस्या पश्चात आपको ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। अब इस समय चल रहा है कलयुग। कलयुग में केवल राधा रानी के नाम का या हमारे ठाकुर जी के नाम का स्मरण मात्र ही एक भगवत प्राप्ति को सार्थक बना देता है। और कहा यह जाता है कि इस कलयुग में केवल भगवान नाम ही सब कुछ है, उसके अलावा सब चीज़ परे है। और आज बहुत ही सुंदर सा भाव और दर्शन आप सभी के लिए लाए हैं। एक साधु महाराज हैं जो कि किस तरीके से वह कठोर यातना सहन करते हुए, और आपको पता है कि यह गर्मी का यह मौसम चल रहा है तो इस गर्मी में ना जाने कितने कष्ट और परेशानियां सह करके एक अपने जीवन को सहज रूप से इस माहौल में ढालना और इस जीवन को इतने प्रयत्न माध्यम से जीना बहुत ही कठिन है। और आपको बता दूं आज की यह सेवा है महेश मुदगल जी जो कि बनारस से हैं, उनके माध्यम से कुछ सेवा प्रसादी दी गई है। महेश मुदगल जी बनारस से, आप भी सेवा प्रसादी से जुड़ना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आपको महाराज जी के माध्यम से कुछ देखेंगे। जैसे हमने ज़्यादातर आपको यह दर्शन कराए थे कि साधु संत महात्माओं के जब हम द्वारे जाते हैं तो उनके जैसे यह आप देख सकते हैं, यह लकड़ी का बनाया हुआ द्वार है। इस द्वार को आप देख लीजिए कि कितनी सहजता और एक सुंदरता पूर्वक यह द्वार बनाया गया है। आइए, और आप हमारे जो पीछे देखेंगे तो यह महाराज जी की कुटिया है। और कुटिया के समक्ष पहले देखिए यहाँ का जो बाबा का स्थान है, कैसे किस तरीके से यहाँ अभी कुछ समय में यहाँ बाबा ने फूलों के लिए एक क्यारी कह सकते हैं, एक छोटा सा स्थान कह सकते हैं। और इसी के जस्ट पास में एक वृक्ष है और इसके पास में बाबा ने यहाँ, जैसे होता है कि एक घर में रसोई होती है तो रसोई में बर्तन या ऐसा कुछ खाने पीने की व्यवस्थाओं को साफ़ सफाई करने के लिए बर्तनों को साफ़ किया जाता है। आप यह जो स्थान है यहाँ बर्तन साफ़ किए जाता है। और आइए देखिए यह कुटिया का द्वार है। राधेश्याम बाबा जय हो बाबा महाराज। अच्छा सर्वप्रथम बाबा पहले तो आपको नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम तो ऐसे तपन है, यहाँ नाम हुआ राधा चरण। अच्छा, यहाँ ब्रज में आके रहने पे राधा चरण नाम आपको है? जी, राधा जी के चरण में आए तब राधा चरण नाम दिया था। अच्छा बाबा, जैसे आपके जीवन की ऐसी कौन सी या घटना रही है या एक लीला रही है या ऐसा भाव रहे हो जो अपने जीवन त्याग के या भेष में या साधु जीवन में आए? विरक्त हुए थे वही प्रेम के चक्कर में। जैसे कि? जैसे प्रेम में ब्रेकअप हुआ था,
उसके बाद माइंड बहुत बिगड़ा था, इधर उधर किए बहुत 7-8 साल, लड़की की तरफ फिर कभी नहीं देखे। अच्छा। हाँ, फिर धीरे धीरे अचानक मन बदलते जा रहा है और वीडियो मोबाइल पे मैं सत्संग सुनते रहा वीडियो, जैसे कि प्रेमानंद जी हो गया, अनुराधाचार्य हो गया, बागेश्वर धाम बाबा हो गया, ऐसे इन लोग का मैं कथा सुनता था। कथा सुनते सुनते फिर भी मेरा माइंड इधर की तरफ नहीं था। मैं हैदराबाद गया था काम करने के लिए, तो हैदराबाद में एक हफ्ता रुका था। फिर मैं मुंबई जाने वाला था अपना भाई उधर, मैं कुकिंग का काम करता हूँ। अच्छा। तो उधर जाने वाला था, हैदराबाद स्टेशन में मैं गया। जो जीवन अपना हो तो घर परिवार त्याग हो तो घर वाले ने कोई ऐसा कुछ नहीं? घर वाले जानते हैं, पिता माता जानते हैं सब, उन्होंने सहमति दी है तभी आया। अच्छा, घर वालों की सहमति के माध्यम से आप साधु जीवन में? हाँ। और जैसे अभी ये जो स्थान है, अभी तो ये केवल त्रिपाल हैं, छोटे छोटे एक कुटिया सी बनाई है, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपके चेहरा पे भी पसीना आ रहा है, तो बहुत कठिनाई झेलनी पड़ रही होगी। हाँ, कठिनाई तो होगी, सत्य मार्ग पे हमेशा कठिनाई रहती है और हमेशा रहेगी। कठिनाई से ही पार होती है, सहजता से तो कुछ भी नहीं संभव। और जैसे आज अब यहाँ कठिनाई में जैसे रह रहे हैं या जो गर्मी को माहौल झेलना पड़ रहा है, यहाँ से पहले आप घर में रहे होंगे तो वहाँ पे पूरी सुविधा रही होगी। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो भी एहसास मन में रहता होगा कि या जीवन में ना आके मैं अगर घर ही रहता तो सही रहता हूँ। ना ना, अब नहीं करता बिल्कुल, अब पूरे त्याग हो गया मन से। और जैसे अगर सेवा प्रसादी की बात करें तो कैसे किस तरीके से यहाँ पे ब्रज में रह के हैं पूरी है प्रभाव है? अभी यहाँ पर तो प्रसाद जैसे किसी आश्रम में जाना पड़ता है, गौशाला में जाना पड़ता है, यहाँ तो कुछ सामान है नहीं मेरे पास जो खुद बना के भोग लगाओ। खाली चाय का ही है बर्तन है, चाय बनाता हूँ कभी कभार। अच्छा, बर्तन भी ना है आप? तो अब की बार देखो बाबा कछूर सेवा प्रसादी एक यूं कह दें कि श्री जी की तरफ थे, तो अगली बार जब आपके पास से दर्शन को आएंगे तो आपके काजे जरूर बाबा सेवा प्रसादी को जैसे बर्तन है या कुछ ऐसा भी है ये तुम्हारे काजे थोड़ी सी प्रसादी हम लाएं। ये अभी तो थोड़ा सा है क्योंकि एक साथ में तो खराब है जाएगा ऑटो, ये थोड़ी बहुत जैसे चाय के काजे थोड़ी सी है, चीनी दाल है। अगली बार आपके जैसे कोई बर्तन है वहाँ के बारे में आप बता दियो, जो भी बर्तन के बारे में थोड़ी सी सेवा श्री जी की तरफ से है बाबे तो पूरी करेंगे, कोशिश करेंगे बाबा। हम तो नियमित ही हैं, हम तो केवल जैसे जैसे बाबा आप जो भी स्थान आपको रहे हो जा स्थान थे आप जैसे कि जो भी जन्मभूमि है जहाँ से आए, तो जानो कैसे हैं कि ब्रज के बारे में कि हाँ ब्रज में रहनो एक आश्रम या कोई एक छोटी सी कुटिया बना के रहनो, तो मन में ऐसे कैसे आएगी? मन में ऐसा आया, देखिए हमारे वहाँ ऐसे ही कृष्ण जी का बहुत भक्त है, जैसे पश्चिम बंगाल में नवदीप धाम है प्रभु चैतन्य महाप्रभु का। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ही तो श्री कृष्ण का प्रभु का लीला वर्णन किया था उधर बंगाल की तरफ, तो हमारे उधर तो भक्त ही भक्त है। उस टाइम हम भी बचपन में ही ऐसा जाते थे संग में, महोत्सव में सत्संग में जाते थे। फिर कुटिया के बारे में जो मन आया, इधर मथुरा में ही आया, और भी दो चार साधु संत के साथ हम घूमे देखे, उन लोग का भी सेवा किया। फिर धीरे धीरे मेरा माइंड विरक्त होने लगा था, जहाँ मैं काम करता था वो एक बर्तन धोने वाला लड़का था, तो वो भांग खा के दिन भर गाली गलौज करता था, मेरे को नहीं करता लेकिन अपने आप ही करता था, लेकिन सुनने को ही खराब लगता था, माइंड बहुत विरक्त हो गया। तब मैं एक बार
घूमने के लिए आया था, देख के गया सब। देखने जाने के बाद एक हफ्ता और काम किए मैं वहाँ पर, फिर मेरा माइंड और नहीं रुकना है, नहीं रुक रहा है सेवा से। प्रभु का नियम में 4 बजे भोर को उठता हूँ, स्नान करके पूजा पाठ करता हूँ। अगर एजुकेशन के बारे में बात करें तो आपकी कहाँ तक रही है एजुकेशन? 10th क्लास। अच्छा, 10th क्लास तक आपने पढ़ाई करी है। हाँ। तो कभी ऐसा लगो हुए कि मैं अपने जैसे कि जो भी आपको जीवन है कहीं ना कहीं मैं वही मैं सार्थक है जाता हूँ, तो साधु जीवन में ना आके ऐसा कभी भाव आयो? साधु जीवन में आके मैंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हम जीवन को समझने लगे। भौतिक जीवन में हमारा कुछ नहीं समझ में आता है, उसी में मेरा मतलब मनुष्य जीवन का समय व्यर्थ चला जाता है। भगवत प्राप्ति तो जरूरी है, हमारा जीवन का उद्देश्य ही है मनुष्य जीवन का कि भगवत प्राप्ति करे, भगवान प्रेम हो। और जैसे आपने शुरू में बताया कि आप जब साधु जीवन में आए उससे कहीं पहले आपने वीडियो के माध्यम से संत महात्मा देखे, जैसे प्रेमानंद जी महाराज, तो उनके बारे में ऐसी कौन सी भावना या ऐसे कौन से शब्द आपके मन में उतर गए जो आप आए गए ऐसे? उनका वीडियो में एक हंसमुख था, मतलब उन हंसते खूब इंजॉय करते हैं अपने प्रवचन में, तो हंसते हंसते बोलता है नाम जप करो और कोई चारा नहीं है, जीवन बर्बाद हो जाएगी, डूब जाओगे, मांस मदिरा खा के मर जाओगे, ऐसा ऐसा बहुत वगैरह और भी बहुत कुछ उनका वीडियो में देखने को मिलता है। अच्छा अच्छा और तो वही सब देख के जैसे आप बता रहे हैं कि आप एक प्रेम के वजह से ये जो अपनाए हो जीवन, तो वो आप प्रेम के बारे में कह कहना चाहेंगे कि प्रेम अगर आजकल के लड़का हैं या जो भी हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेम माया जाल में इनमें फंसे रचे पड़े, क्योंकि उस टाइम में अज्ञानी था, समझो अज्ञानी प्रेम करता है, ऐसे नहीं करेगा कोई। अज्ञानी था मैं, प्रेम कर बैठा, फिर नशा वशा करने लगा, बर्बाद टाइम चल रहा था मेरा 8 साल 9 साल। कहाँ उम्र रही होगी बेटा मेरी? अभी 30 साल हो गया। और जब आप वह जीवन में जब कितना होगा, 21-22 साल होगा। और जो साधु जीवन में अब ये हैं, तो साधु जीवन में कितना समय है आपको? साधु जीवन 3-4 महीने से। अच्छा, बिल्कुल अब त्याग दिया बिल्कुल? हाँ, मथुरा आए हम 7-8 महीना हो गया, तभी से मतलब भक्ति मार्ग में ही हम घूमते हैं सबसे। और स्थाई कुटिया में अब बिल्कुल रह गए? हाँ, अब राधा रानी एकदम फिट कर दिया, अब टेंशन नहीं है बिल्कुल। कभी ना कभी जैसे ऐसा भी लगता होगा जैसे अब यहाँ कुटिया में अकेले हैं और एक तरीका को जंगल ही है, तो यहाँ तो काफी डर या मन में ऐसा कोई भय बनो रहे तो साधु का डर नहीं लगता है, ना डर लगता है, ना खुशी होता है, ना दुख होता है, कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई जानवर वगैरह भी आवे तो ये ज़्यादा कोई ऐसी हैवी सिक्योरिटी के तौर पे भी, ये दीवार के तौर पे भी काम ना कर रहे हैं, तो केवल एक पन्नी है बस। किशोरी जी भरोसे और क्या चाहिए, जब आश्रय उनके ले लेंगे तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मन में भाव पैदा हो जाता है।
कैसा लगा मुझे? हाँ, 10-15 दिन बाद।